सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हिसार की एच आई यूनिवर्सिटी के गिरी सेंटर में मौजूद हूँ। पीछे आप पूरे का पूरा जो आप आयोजन देख रहे हैं, दरअसल JSW ग्रुप के जो चेयरमैन हैं सज्जन जिंदल, उनके बेटे पार्थ जिंदल यहाँ पहुँचे और खिलाड़ियों से आज जो है वो रूबरू हो रहे हैं। दरअसल क्या है कि जो जिंदल जो परिवार है उनका खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में हेल्प करने में एक बड़ा योगदान है। JSW ग्रुप जो है, आपने देखा भी होगा कि जो स्पोर्ट्समैन जो खेलते हैं उनकी जर्सी के ऊपर आपने देखा होगा, उनकी ड्रेस के ऊपर आपने JSW देखा होगा। दरअसल क्या है कि खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक तक की जो सीढ़ियाँ जो बिछाई जाती है, उस सीढ़ियों को बिछाने में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो एक सहायता, जो बड़ी एक जो मदद है वो इस ग्रुप के द्वारा की जाती है। आज यहाँ पहुँचे हैं पार्थ जिंदल और साथ में जो है सीमा जिंदल और भी जो जिंदल परिवार के कई जो चेहरे जो यहाँ पहुँचे हैं आज खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए और उनको कुछ ना कुछ और आगे जो है प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर पूरे का पूरा एक जो जिंदल ग्रुप वो पहुँचा है। बात करेंगे कि कैसे, क्योंकि आगे का जो एक जो माहौल है वो अब जैसे पेरिस ओलंपिक जो समाप्त हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप ने एक बड़ा एक योगदान दिया, आगे की क्या कैसी रणनीति है वो इनसे हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जी 2012 से हम JSW स्पोर्ट्स का स्थापना किए थे और हमारा यही मकसद था कि ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए हम एथलीट्स को सपोर्ट दें, वेदर वो स्पोर्ट्स साइंस के थ्रू हो, कोचिंग के थ्रू हो, न्यूट्रिशन के थ्रू हो, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के थ्रू हो, हम एथलीट्स को सपोर्ट करें। तो 2012 में हमारे स्पोर्ट्स एक्सेलेंस प्रोग्राम्स चालू हुआ था और उसी दिन से हम एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस 5 स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ट्रैक एंड फील्ड और स्विमिंग। अभी आगे जाके हम स्क्वाश का भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी रोइंग का भी। और अभी इंडिया में 6 सेंटर्स है JSW के। सरकार के साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम कर रहे हैं। तो एक सेंटर है हमारा यहाँ पे गिरी सेंटर, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हम साथ में काम कर रहे हैं। करीब 155 बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे दूसरे सेंटर है उड़ीसा में, हम उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ पूरा स्विमिंग प्रोग्राम चलाते हैं, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और 18 और स्विमिंग पूल्स हैं उड़ीसा में जो हम चला रहे हैं। करीब 3,000 स्विमर्स को ट्रेनिंग देते हैं रोज। हमारा एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल प्रदेश में बॉक्सिंग के लिए, एक शोल्टू जगह में, रास में उत्तराखंड में एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हम चला रहे हैं। और फिर हमारा मेन सेंटर IIS विजयनगर, जो एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ पे करीब 500 बच्चे रोज ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी JSW के जो पेरिस ओलंपिक्स, अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था उसमें इंडिया का 117 एथलीट्स गए थे, उसमें से 41 एथलीट्स हमारे प्रोग्राम्स में से थे और 4 मेडल आए देश के 6 मेडलों में से। क्योंकि हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है, शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है। तो हमारा विजन यही है कि हम ये प्रोग्राम को बढ़ाएं और इंडिया को टॉप 10 ऑफ द मेडल्स टैली में लेकर आएँ। जो इस बार बहुत गर्व की बात है कि इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में बहुत अच्छा हुआ, 6 मेडल आए, मैं विनेश का मेडल भी मानता हूँ, तो 7 मेडल आने चाहिए थे लेकिन वो चूक हो गई। और पैरालंपिक्स में भी इंडिया ने बहुत अच्छा किया, 15th प्लेस में फिनिश किए 29 मेडल्स के साथ। तो यही है हमारा काम कि मेडल्स को बढ़ाएं, एथलीट्स को सपोर्ट दें। और क्योंकि मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स जैसे पावरफुल चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जो स्पोर्ट्स करता है एक आदमी और एक औरत के लिए, जो मानसिकता बढ़ाता है, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, तो या तो करियर के बाद वो बिजनेस में आ जाए, वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, वो सरकार में चले जाएं, लेकिन जो एक आदमी एथलीट बनता है तो वो हमेशा लाइफ के लिए एथलीट रहता है। तो बहुत ज़रूरी है। देश के खिलाड़ियों क्या कहना चाहेंगे सर? आप हमारे गर्व हो, आप हमारे रोशन हो, आप मेहनत करते जाइए और देश का नाम बढ़ाते जाइए। हिसार के लिए अभी क्या मतलब गिरी सेंटर में और क्या नई सुविधाएं शुरू करने जा रहे हैं? तो गिरी सेंटर में अभी हम 3 स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, बॉक्सिंग, रेसलिंग और एथलेटिक्स। सरकार के साथ काम करके अभी नया ट्रैक लगाए हैं सरकार ने, नया हॉकी का एस्ट्रोटर्फ भी उन्होंने लगाया अब, और नया मल्टीपर्पज़ हॉल भी लगाया हुआ है। तो हमने अभी सरकार को लिखा है कि ये जो स्विमिंग पूल है 50 मीटर का स्विमिंग पूल, जिसमें अभी बहुत बुरा हाल है, हमने उनको लिखा है कि स्विमिंग को भी रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है।
अगर आप समर ओलंपिक्स के बारे में देखो तो एथलेटिक्स और स्विमिंग ऐसे दो खेल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स हैं और इंडिया स्विमिंग में बहुत पीछे है। तो हरियाणा एक ऐसा जगह है जहाँ टैलेंट है, जहाँ पावर है, जहाँ स्पीड है, जहाँ इंड्योरेंस है। तो अगर यहाँ अगर स्विमिंग में मेडल चाहिए देश को तो हरियाणा में स्विमिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अगर कर सकते हैं तो गिरी सेंटर में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं। तो स्विमिंग पूल को रिवाइव करना मैं चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है, होपफुली सरकार का सैंक्शन आ जाए और फिर प्रोग्राम को हम चलाएंगे। तो एक बात अगर दिल्ली कैपिटल्स के आप जो है ओनर हैं, तो अभी आईपीएल सीजन आने वाला है, तो क्या कुछ खिलाड़ियों की रिटेन करेंगे और कुछ नए क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है? हाँ जी, रिटेन तो करना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे टीम में, तो अभी रूल्स आए हुए हैं, तो अभी को ओनर GMR के साथ बात करके और हमारे जो सौरभ गांगुली जी हैं जो हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है उनसे बात करके अभी सारे निर्णय लेने वाले हैं। ऋषभ पंत को तो पक्का रखने ही वाले हैं, अक्षर पटेल है बहुत ही बढ़िया, क्रिस्टन स्टब्स है, जेक फ्रेजर मगर्क है, कुलदीप यादव है, अभिषेक पुरेल है, मुकेश कुमार है, खलील अहमद है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारी टीम में। तो रिप्लेसमेंट होगी कोई, और देखेंगे ऑक्शन में क्या होता है, लेकिन पहले तो जो रूल है कि 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, पहले उनके उसका सारा चर्चा होने वाला है, फिर उसके बाद ऑक्शन में जाके देखेंगे। बहुत सारे ऑप्शन किताब नहीं मिल पाया लेकिन दिल्ली को अभी तक उन्हें मिला है, दो फाइनल खेले हैं JSW के आने के बाद, एक फाइनल खेले हैं और एक बार टॉप ऑफ द टेबल हुआ। तो हाँ, अभी तक टाइटल नहीं लाया, वो लाना पड़ेगा दिल्ली को। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और बहुत साल हो गए, तो यही कोशिश रहेगी कि टाइटल लाएं दिल्ली के लिए। स्पोर्ट्स से अलग एक पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी जिंदल JSW स्टील के लिए हमेशा जाना जाता था, लेकिन JSW अब कार भी बना रहा है, पेंट्स भी बना रहा है, सीमेंट्स भी बना रहा है, तो क्या कोई और नया वेंचर भी शुरू करने जा रहे हैं? जी, डिफेंस भी कर रहे हैं, अभी चंडीगढ़ में एक डिफेंस की फैक्ट्री खोले हुए हैं जहाँ पर हम आर्मी के लिए ऑल टेरेन व्हीकल्स बना रहे हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी हम सोच रहे हैं, कॉपर के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, देश काफ़ी अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, और JSW वन ऑफ द ग्रुप्स है जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है इस देश में, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। आज जिस तरह से अभी विनेश के मेडल के समय वेट मैनेजमेंट की बात हुई, आपने यहाँ पर जी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, उससे बड़ा चूक का मतलब देर इज़ नो बिगर डिसअपॉइंटमेंट देन व्हाट हैपन टू विनेश। जो विनेश के साथ हुआ वो तो सबके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, इंडियन स्पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, एथलीट्स के लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि एथलीट जो होते हैं वो सोचते हैं कि जी मैं 4 किलो कम कर दूंगा, मैं 5 किलो कम कर दूंगा, मैं 7 किलो कम कर दूंगा, अब बॉडी को अब्यूज़ करते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिकली करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि फाइनल पहुंच के फाइनल ना खेलना और गोल्ड मेडल ना लाना देश के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है। उस दिन जब हम सब उठे पेरिस में तो एकदम शॉक हो गया, हम सब शॉक, वी वर इन टोटल शॉक। उसके वजह से दूसरे एथलीट्स को बड़ा डीमोटिवेशन हुआ, पूरे देश बैठ गई कि यार क्या हो गया, तो गोल्ड मेडल था, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कहानी सुने कि कैसे वो 11 बजे रात को होटल पहुंची, पूरे जिम पहुंची, जिम में एसी चल रहा था, फिर वो 21 किलोमीटर भागी, फिर सोना में स्पारिंग करी, फिर खून निकाली, बाल काटी, कपड़े काटे वेट कट करने के लिए। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टोरी है, बहुत ही कठिन। अभी उसके बाद पता है वो हॉस्पिटल में थी, IOA के प्रेसिडेंट गए, सब गए, डॉक्टर पाड़ीवाला गया था। तो लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसकी जानकारी नहीं थी, जानकारी थी भी लेकिन चूक हो गई सबके सब, सबसे एथलीट से, उनके सपोर्ट स्टाफ से, सबसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एथलीट को खुद लेना है, ये एथलीट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथलीट को पता है कि मुझे मेरा वेट कम करना है, मुझे खेलना है, तो कैसे बढ़ गया, तो ये प्रैक्टिस अगर करोगे तो करना है। तो JSW में मैंने भी सबसे बात किया कि ये बहुत बड़ी चूक हो गई। विनेश तो हमारे साथ थी 4 साल IIS में, तो मैंने पूछा कि कभी प्रैक्टिस हुआ ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हुआ, वो तो कर लेते हैं जी, हो जाता है जी,
मैनेज हो जाते हैं जी, ये तो नॉर्मल है रेसलर के लिए, बॉक्सर के लिए तो नॉर्मल है। बोला जी नॉर्मल है, लेकिन नहीं हुआ ना सबसे बड़े स्टेज पे। तो बोला हाँ जी नहीं हुआ। तो बोला तो आगे जाके IIS और JSW अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेगा और सरकार अगर ये बोलेंगे नहीं कि ये प्रैक्टिस करना है तो फिर ये नहीं होगा। तो अभी ये मुझे नहीं लगता वापस कभी होगा। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है इंडियन स्पोर्ट के लिए और आई एम श्योर इसके वजह से काफ़ी एथलीट्स को बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। एक उसके रिटायरमेंट के फैसले पर क्या कहोगे, राजनीति में आ गई उस पर क्या कहोगे? नहीं हमें पता है विनेश के साथ, विनेश बजरंग साक्षी WFI के खिलाफ और WFI वर्सेस ब्रिजभूषण चरण सिंह और उनके साथ क्या हुआ। तो उनका जो स्ट्रगल है, उनका जैसे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, जैसे वो स्ट्रगल किए पूरे रेसलिंग के लिए, तो उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में आके वो सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो या तो आप सिस्टम के बाहर रहो और फिर बात करते जाओ, या तो आप सिस्टम के अंदर जाओ और सुधार लाओ। तो मैं विनेश के निर्णय से मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, बहुत ही करेजियस डिसीजन है। मैं स्पोर्ट्स वाला हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि विनेश को 2028 ओलंपिक्स में भी चांस था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। उनको पता है उनकी बॉडी के बारे में, लेकिन जो जो जज्बे को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। और जिस तरीके से वो सिस्टम के अंदर आ रही है और सिस्टम के अंदर आके वो एथलीट्स को सपोर्ट करेगी, मैं विनेश को जानता हूँ। 4 साल विजयनगर IIS में थी वो हमारे साथ। तो मेरा इच्छा यही है कि अगर विनेश MLA बने तो सरकार उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अगर वो बने उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दीजिए। और फिर दुआ उनके साथ है। पार्टी वार्टी मैं नहीं देखता, विनेश को देखता हूँ। विनेश का सपोर्ट है पूरा मेरे, आई सपोर्ट हर फुली। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी दादी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप लोगों की जन्मभूमि कर्मभूमि तो हिसार ही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं उनकी जर्नी को? क्योंकि हमने तो ओपी जिंदल जी की भी देखी है जर्नी। नहीं दादी का जज्बा बहुत है, दादी को हिसार से लगाव बहुत है, पूरी परिवार को लगाव है लेकिन सबसे ज़्यादा दादी और बाबा जी को है। तो दादी ने हमेशा कहा कि मुझे हिसार के लिए काम करना है। तो जब भी दादी हमारे से बात करती है वो हमेशा कहती है कि हिसार में ये होना चाहिए, हिसार में वो होना चाहिए, हिसार के सड़कें में ऐसे होना चाहिए, सूएज बेटर होना चाहिए, जो पशुआँ हैं उनका देखभाल करना चाहिए ताकि वो रोड में घूमे ना। तो हमेशा दादी के दिमाग में हिसार रहता है। तो जब उन्होंने हमसे कहा कि मैं हिसार में चुनाव लड़ने वाली हूँ तो हमने सब मना किया, हमने सब कहा दादी इस उम्र में आप क्यों करोगे, नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है, हम सब काम करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सबको मेरे से मिलना है तो हिसार आइए, हिसार परिवार मेरे साथ है, मैं हिसार के लिए लड़ूंगी और फिर मैं हिसार में ऐसे प्रगति लाऊंगी और तुम सब आओगे और काम करोगे हिसार के लिए, क्योंकि जो भी जिंदल परिवार है वो हिसार के वजह से है और अभी हमें हिसार को वापस काम करके वापस देना है क्योंकि हिसार ने हमें बहुत दिया है। थैंक यू। तो जैसा भी अपने पार्थ जिंदल से सुना कि कैसे जो JSW ग्रुप है वो स्पोर्ट्समैन के प्रति एक पूरे का पूरा एक जो कहें कि पूरा एक जो बिसात जो है बिछा जाते हैं और सभी एक बड़ी हेल्पफुल जो जितनी भी मदद होती है वो सारा करते हैं। और आने वाले समय में क्या कुछ हिसार के लिए नया JSW ग्रुप करने जा रहा है वो भी पार्थ जिंदल ने कहा। आने वाला समय बताएगा कैसे क्या जो है अब आगे की जो रणनीति है उनके ऊपर ये ग्रुप जो है काम करता है। लेकिन अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो जो पार्थ जिंदल और जिंदल परिवार जो है वो स्पोर्ट्समैन के साथ लगातार जो है वो बात कर रहे हैं और आगे जो उनको जो है पूरे का पूरा एक प्रोत्साहन दे रहा है। आप इस पूरी वीडियो से कैसा आप इत्तेफाक रखते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।